वीडियो शुरू करने से पहले देखो, हम सभी के लिए दुआ करेंगे कि इस बार जो लेडीज अपने सिम्टम्स देखने आई हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है। या फिर देखो, सिम्टम्स का जो टाइम होता है एक लेडीज के देखने का कि भाई इस महीने शायद मैं भगवान से अपने से प्रभु से दुआ करूंगी कि इस बार मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, तो आप तो दुआ करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम भी अपनी तरफ से पूरी दुआ करेंगे अपने भगवान से, अपने अल्लाह से, अपने ईश्वर से कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हो सभी लोग इसी बार प्रेग्नेंट हो जाएं, नेक्स्ट टाइम उन्हें अपने लाइफ में ये वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े कि प्रेगनेंसी के सिम्टम क्या होते हैं, या फिर वो प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं, या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट उन्हें कब करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, हमें दो बच्चे हैं। एक बच्चा तो आपको देखो दिख रहा है, ये हमारी लड़की है और दूसरा हमारा लड़का है। हमारी शादी को समथिंग 5 साल हो चुके हैं और हम अपनी लाइफ में देखो बहुत खुश हैं। तो आज की इस वीडियो में क्या है कि हम आपको कुछ प्रेगनेंसी के सिम्टम बताएंगे, और सिम्टम ऐसा नहीं है कि जो बाकी लोग आपको बताते हैं कि वही सिम्टम हम आपके साथ रिपीट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो सिम्टम बताएंगे वो बिल्कुल यूनिक सिम्टम बताएंगे। देखो, 3 सिम्टम तो ऐसे बताएंगे जो यूनिक सिम्टम है, जब आप प्रेग्नेंट रहेंगी तभी 100% वो आपको दिखेंगे, ठीक है। 3 तो यूनिक सिम्टम है और 3 नॉर्मल सिम्टम है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो कुछ लेडीज़ को, 50% लेडीज़ को वो दिखता ही दिखता है, और जो यूनिक है 3, वो तो भाई 100% हर लेडीज़ को दिखेगा ही दिखेगा। अब क्या वो सिम्टम है, क्या वो लक्षण है, वो इस वीडियो में साथ आप बने रहिए। लेकिन उससे पहले भी देखो, अगर आपने बहुत सारी मेडिसिन यूज़ की हैं और अब आप देख रही हैं भाई कि दुआ कर रहे हैं कि इस बार प्रेगनेंसी रुक जाए, हम भी दुआ करेंगे आपकी प्रेगनेंसी रुक जाए, लेकिन जो बहुत पुराने टाइम से लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, उनके लिए हमारे पास आयुर्वेदिक दवाई है जो कि 30 दिन की दवाई है और 30 दिन में प्रेग्नेंट रुक जाती है, गारंटी की दवाई है, एक दादी माँ देती हैं और बहुत ही बेहतरीन दवाई है। तो अगर आपको वो चाहिए तो देखो स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा, आप वो दवाई अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर करवा सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ भी, जिसकी मन हो, जिसकी इच्छा हो प्रेग्नेंट होने की, वही सिर्फ इस दवाई को ले। अब देखो बच्चे को या तो ऊपर बैठा लो या नीचे बैठा लो। अब देखो बच्चा ऊपर भी नहीं रुकता, नीचे भी नहीं रुकता, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो अब बात करते हैं सिम्टम की तरफ, सिम्टम्स क्या होते हैं। तो पहले चलते हैं 3 सिम्टम ऐसे जो कि हर लेडीज को दिख जाएंगे और वो दिखते ही दिखते हैं नॉर्मल। पहला सिम्टम आपके सर में दर्द होना, दूसरा सिम्टम उल्टी जैसा आपको फील होना, और तीसरा सिस्टम देखो तुम्हारी भाभी ने बताई दिए, तीसरा सिम्टम कि आपको थकान होना, बेवजह की थकान होना। ये तो ऐसे सिम्टम है जो कि हर लेडीज को दिखते ही दिखते हैं, और ये जो सिम्टम है ये उन लेडीज को भी दिखते हैं जिनके पीरियड्स आने वाले होते हैं, आने वाले भी होते हैं, जिनके पीरियड्स रेगुलर भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। अब जो 3 यूनिक सिम्टम है वो सिर्फ उन लेडीज को दिखते हैं जिनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी होती है। अब वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं वो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। नंबर 1, सीने में जलन होना। नंबर 2, नाक का बंद हो जाना। नंबर 3, चक्कर आना। अगर ये 3 सिम्टम हैं आपके अंदर तो आप गारंटेड प्रेग्नेंट है। देखो, नाक का बंद होना एक हार्मोन्स डिसबैलेंस है, और हार्मोन्स डिसबैलेंस कब होते हैं, जब प्रेगनेंसी किसी भी लेडीज को कंसीव हो जाती है, ठीक है। नंबर 2, चक्कर आना। चक्कर कब आएंगे, जब लेडीज को वीकनेस होने वाली है या उसके अंदर कोई भी बच्चा पल रहा है, ओके। सीने में जलन, सीने में जलन का भी सीधा कारण यही है कि आपका जो जो पाचन क्रिया है वो सारी सब कुछ चेंज हो जाना, मीन्स जब आपके अंदर एक बच्चा पलना शुरू हो जाता है ना, तो बॉडी में एकदम से बदलाव शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि पहला खाना, दूसरा आपके हार्मोन्स इनबैलेंस, और तीसरा देखो कमजोरी, ये तो आनी आनी है। तो ये 3 सिम्टम होते हैं 100%, ठीक है। तो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पे कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद। आपसे आपका दिन शुभ हो और आपको ये वीडियो दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, आप भी हैप्पी रहो और हम भी हैप्पी रहे। हम तो हैप्पी हैं, आप हैप्पी है तो हम भी हैप्पी।